बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस गजब का है, संगठन की आपकी जो कार्यशैली है वो भी गजब की है। जब दूसरी पार्टियां चर्चा विधानसभा स्तर पर कर रही होती हैं, आप चर्चा कर रहे होते हैं बूथ को भेदने पर, बहुत अच्छा। क्या ये कॉन्फिडेंस वैसा ना साबित हो जैसा कर्नाटक में हुआ? देखिए, हम फिर से कहते हैं, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। हम हार कर जीतने वालों में से हैं। हम तो एक समय केवल देश में 2 सीटों पर थे, आज 303 सीटों पर हैं। जब 2 पर थे तब उसका हमें गम नहीं था, और आज 303 पर है तो उसका अहंकार नहीं है। परंतु ये सच है कि जनता उसे जिताती है जो जनता के साथ दिखाई देता है, जो जनता के कल्याण के लिए काम करता है, जो विकास करता है। केवल केवल अपने आत्मविश्वास के कारण अतिरेक में आप अगर अपने जीतने की कल्पना कर रहे हैं तो गलत है। पहले अपना रिकॉर्ड चेक करिए कि आपने जनता के लिए किया क्या है। ठीक। तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये बात सही है लोहिया साहब। अभिनव बरौलिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, स्वागत बरौलिया साहब का। इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अभय नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मेहमान इसी तरह से जुड़ते जाएंगे, उनके पास हम चर्चा के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कांग्रेस के लिए सवाल आपके पास, अपर्णा। बिल्कुल, सवाल यहीं पर यही है अभिनव जी। मैं लगातार पूछ भी रही हूँ अपने तमाम डिबेट्स के जरिए कांग्रेस के मेहमानों से, जितना भी मैं एमपी में मिली कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से, 130 140 सीटें, 150 से ऊपर की भी बात कही गई, लेकिन जो एग्जिट पोल की जो फिगर सामने आई है वो कहीं से भी उत्साहजनक कांग्रेस खेमे के लिए तो नहीं है। तो क्या लग रहा है कि तस्वीर बिल्कुल विपरीत होगी एग्जैक्ट पोल में? बरौलिया जी, ताने जो आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी कि एग्जिट पोल आया है, हम सबका सम्मान करते हैं, सारी चीजें एग्जिट पोल आते हैं और लोग मेहनत से निकालते हैं, 10-15 हज़ार लोगों का सैंपल लेते हैं, उसके बाद बड़ी मेहनत से उसको रिफाइन करते हैं और फिर बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब सारी चीज़ें होती है, होना चाहिए, क्योंकि लोगों का उत्साह रहता है कि होना क्या। एक्चुअली चुनाव के पहले थोड़ी उत्सुकता रहती है लोगों में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने 17 तारीख को प्रदेश की जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, 20 साल की जो एक भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उसको एग्जिट कर दिया है, पूरे तरीके से एग्जिट कर दिया है। अब वो नहीं चाहती कि यहाँ पर वो सरकार आए, क्योंकि यहाँ का हर वर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, दलित वर्ग परेशान है, आदिवासी वर्ग परेशान है, हर वर्ग यहाँ पे चेंज चाहता है। आपने देखा होगा नर्सिंग स्टूडेंट्स की पिटाई हुई यहाँ पे, संविदा कर्मचारियों की पिटाई हुई, आदिवासी पर पेशाब हुई, दलित की हत्या हुई, लगातार हर वर्ग। बहुत बेहतरीन बात बरौलिया साहब आपने याद दिलाई, आपने सम्मान किया सैंपल का, वैज्ञानिक तरीके का, आप वैज्ञानिक जो भी इसके मेथड्स होते हैं उस सम्मान पर मेरा डबल सम्मान। सवाल ये कि जब 18 साल की सत्ता विरोधी लहर, उसको हम तब्दील ना कर पाए वोट में, तो रणनीतिक चूक है आपकी। जी नहीं, अभी रिजल्ट कहाँ आया है सर? अभी रिजल्ट को आने दीजिए। पोल के लिहाज से मैं समझ गया, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए कल ही देखिए पूरे देश की जनता के बीच में चर्चा, हाँ मैं बता रहा हूँ, चर्चा ही कर रहा हूँ आपसे, पूरे देश के बीच में चर्चा चल रही है कि कैसा एग्जिट पोल है, कि जैसे एग्जिट पोल आया किसी का, उसने 160 सीटें दिखाई और तत्काल आधे घंटे बाद उसी चैनल के हेड ने वो पूरा वीडियो वायरल हुआ, पूरे जनता के बीच में वो वीडियो है कि अरे क्या कर रहे हो भैया, ये हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये जनता के बीच में चर्चा का विषय है, मीडिया पे सवाल या निशान लगा है। तमाम चर्चाओं के बीच चर्चा जो कांग्रेस के खेमे में हो रही थी कि देखिए इस बार गजब लहर है कांग्रेस के पक्ष में, मैं नहीं कह रही कि एग्जिट पोल पर विश्वास कीजिए। सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एग्जिट पोल पर विश्वास कीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर कांग्रेस की वाकई ऐसी लहर थी तो फिर वो एग्जिट पोल में क्यों नहीं दिखी? सैंपल साइज को लेकर आपके सवाल भले ही हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में कुछ तो ट्रेलर मिलता ना सर। आऊंगी लौटूंगी आपके पास, बाकी और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स साहब, कल भी हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे, आज भी कह रहे थे नतीजे पक्ष में आए तो बहुत बढ़िया, नतीजे नहीं आए पक्ष में तो फिर थू थू थू। नतीजे नहीं आए पक्ष में तो मीठा मीठा गप गप, बाकी कड़वा 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 थू थू। ये तो बहुत पुरानी कहावत है और ये सच भी है, लेकिन जिस तरीके देखिए, एक पोल अगर कहता तो मान लेते कि तुक्का है, लेकिन ये जितने पोल हैं, शायद एक को छोड़ के, जिसने
दिखाया है कि मध्य प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बीजेपी आ रही है, तो इट इज 4-1, तो इसको तो मानना ही होगा। और अगर ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है तो मैं समझता हूं सल्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सल्यूट टू ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने 18 साल की इनकम्बेंसी को खत्म करके और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में लाकर पार्टी को खड़ा किया है। और वहां की जनता को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीति और पर भरोसा किया, कार्यशैली पर भरोसा किया और आगे भी उन्हीं के हाथ में अपने को सुरक्षित समझा है। तो गारंटी गारंटी के लिहाज से देखा है तो अभी भी एक ही नाम जो चेहरे थे या जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, बाद में प्रधानमंत्री ने कहा या कार्यशैली इस तरह की रही कि अब मैं चीजों को देखता हूं। अभय नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, सवाल आपसे ये, छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर स्थितियां डावाडोल, सर्वे के हिसाब से राजस्थान में ज्यादा पेज फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कम पेज फंसा हुआ है बीजेपी के लिहाज से, आपका क्विक रिएक्शन, फिर अगला सवाल जी प्लीज। देखिए, एग्जिट पोल हर चुनाव के पहले आते हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं और कई बार सिद्ध होते हैं और कई बार गलत सिद्ध होते हैं। तो एग्जिट पोल को लेकर जो रुझान दिख रहा है कि जनता ने दोनों ही पार्टियों को जैसा उचित समझा वैसा स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर सब जगह चर्चा है। छत्तीसगढ़ में भी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। अंतिम दिन तक, चुनाव के दिन तक सारी जो खबर आ रही थी वो कांग्रेस की आ रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। हाँ। तो हम तो इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा उस दिन मानेंगे जब एग्जिट पोल आएगा जी। लेकिन एग्जिट पोल पे ये समझ में आता है कि जो लोग भी सैंपल लेते हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है। इसको मानना और नहीं मानना दोनों आपके ऊपर है। और आज हम डिबेट इसी में कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनेगी जी। तो यही दावा किया जा रहा है और इसी दावे पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब भी चर्चा होगी, आप तमाम मेहमान जुड़ेंगे और एग्जिट पोल का जो अनुमान है उस पर भी हम चर्चा करें और जो एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल के बीच का है पिक्चर अभी बाकी है वाला सीन उस पर भी हम चर्चा करें। संजय राणा साहब सर, सिंपल सी एक बात हो जाती है यहाँ पर कि सबने ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई हम जैकेट सिलवा रहे हैं, सूट सिलवा रहे हैं, मालाओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन इस बीच में मंथन तो चल ही रहा होगा, तभी कमलनाथ को सामने आकर कहना पड़ा है कि कार्यकर्ता निराश ना हो, 3 तारीख को हमारी ही सरकार बन रही है, बस आपको डटकर काम करना है। अपना गुड इवनिंग फेलो पेन। देखिए, ऐसा होता है कि एग्जिट पोल है, उसको एग्जिट पोल अगर हम मान भी लें तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसके पक्ष में जा रहा है, किसके विपक्ष में जा रहा है, और जिसके विपक्ष में जा रहा है उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। देखिए, जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश में 3-4 महीने पहले का समीकरण कुछ और था, नो डाउट ये कह सकते हैं इनकी लहर थी, लहर तो कहीं नहीं थी, लेकिन एक लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसको किस तरह से कम किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, खत्म कर दिया गया जी वही, देखिए कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हमारे जैसे प्रबुल मित्र ने कहा, तो देखिए उसको खत्म करने के लिए आपको प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी। अब देखिए, एक राजनीतिक पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है, प्लानिंग बना रही है, उसको एग्जीक्यूट कर रही है, और दूसरी राजनीतिक पार्टी सिर्फ बातें कर रही है, तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। देखिए, आपने ज्यादा दूर नहीं 20 दिन पहले का पन्ना जी उठा के देख लीजिए कि कमलनाथ जी के स्टेटमेंट क्या है, 25 दिन पहले के उठा के देख लीजिए अपने क्षेत्र में जहां से वो कितने साल से सांसद हैं उसमें भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये दर्शा देता है कि आपके पक्ष में जनता है कि नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वहां का जो सिटिंग चीफ